हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और सभी का एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को टिप्स बताऊंगी कि सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूं अपने जेरेनियम प्लांट से। अभी आप देख रहे हैं इसमें कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है और ये जो है एक एक प्लांट में कम से कम 4 से 5 ये इस तरीके की स्टिक्स निकली हुई हैं और आप देख रहे हैं कि जेरेनियम जो है ये एक पूरा कलियों का बंच होता है और धीरे धीरे जो है एक के बाद एक इसमें कम से कम 15 से 20 फ्लावर्स खिलते जाते हैं। जब ये सभी फ्लावर्स सूख जाते हैं तो इनमें सीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जेरेनियम के जो सीड्स होते हैं वो पीछे से कुछ हेयरी स्ट्रक्चर वाले होते हैं, तो इसीलिए जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर जल्दी से सेव हमें कर लेना चाहिए, अन्यथा वो हवा के माध्यम से उड़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है टिप नंबर 1 कि जेरेनियम की हम पॉटिंग सॉइल कैसे तैयार करें। जेरेनियम जो है ये थोड़ा सा ड्राई साइड में रहना पसंद करता है, तो इसके लिए बेस्ट है कि पॉटिंग सॉइल में हम मिट्टी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएँ और उसमें कोकोपीट कम रखें। साथ ही उसमें पॉटिंग सॉइल बनाते समय कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट साथ में और गोबर की खाद हम बराबर मात्रा में मिलाकर सभी पॉटिंग सॉइल में मिलाकर फिर उसके बाद में हम जेरेनियम को लगाएं। ये आप देख रहे हैं जेरेनियम के पौधे मैंने कम से कम 12 इंच के गमलों में लगा कर रखे हुए हैं और एक जो है मेरा एक गमले में 2 प्लांट्स हैं और फर्स्ट वाले गमले में 3 प्लांट्स हैं, लेकिन सभी प्लांट्स को बराबर खुराक और पानी देना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये हैवी फीडर्स होते हैं और इनको जब खाद अच्छी मिलती है तो ये ब्लूमिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में करते हैं। दूसरी जो टिप है वो है वाटरिंग की। तो जब हम वाटरिंग की बात करते हैं, जेरेनियम को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इनको पानी तभी आप दें जब इनकी पॉटिंग सॉइल ऊपर से 2 इंच तक सूख जाए। इनको फुल सन में आप रखिए और ज़रूरत से ज़्यादा पानी यदि आप देंगे तो इनकी जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी। तीसरी जो टिप है वो है फर्टिलाइज़र की। जब हम पॉटिंग सॉइल तैयार करते हैं उस दौरान हम इसमें फर्टिलाइज़र थोड़ा सा मिला दें। मैंने आपको बताया वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास में उपलब्ध है। उसके अलावा हर 10 से 15 दिन में आप जो है इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, आपके पास जो भी उपलब्ध है, क्योंकि जेरेनियम में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इसलिए ये जितना आप उनको फर्टिलाइज़र देंगे ये उतनी ज़्यादा तादाद में फ्लावरिंग करते हैं। जेरेनियम साल के 10 महीने फ्लावर्स देते हैं, बारिश के महीने में ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। यदि आप इनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं तो ये बारिश के दिनों में भी कम करते हैं पर ये करते हैं फ्लावरिंग। अपने यहाँ मैंने इनको पूरे सीज़न भर बचा कर रखा, साथ में साल भर भी मैंने इनको मेंटेन करके रखा और वैसे ये विंटर फ्लावर्स में आते हैं पर ये जैसे ही समर आती तो समर में भी फ्लावरिंग कम हो जाती पर ये साल भर रहते हैं पौधे। तीसरी जो चीज़ है वो है डेड हेडिंग। जब भी इनकी स्टिक्स जो है इनमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए आप उसको रिमूव कर दीजिए। जितनी पीली पत्तियां हैं उनको रिमूव कर दीजिए, सूखी हुई टहनियां हैं उनको रिमूव कर दीजिए। तो उसका रिज़ल्ट देखिए, जब मैंने सारे बीज वाले इनकी स्टिक्स थी उनको हटा दिया तो उसके बाद में जो एनर्जी थी वो सारी न्यू बर्ड्स फॉर्मेशन में, नई कलियों के खिलने में और नए स्टिक्स में चली गई। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर जेरेनियम के प्लांट में आपको 5 से 6 स्टिक्स मिल जाएंगी, सब में नए नए बर्ड फॉर्मेशन हो रही हैं। ये देखिए कलियों के गुच्छे निकल रहे हैं और ये सारे भरे हुए हैं। जैसे ही फूल मुरझा जाते हैं आप इनको हटा दीजिए ताकि इनकी एनर्जी जो है वो सीडिंग में ना हो। इस महीने में आप इनकी कटिंग भी लेकर आराम से लगा सकते हैं, ये कटिंग के माध्यम से भी ग्रो हो जाते हैं और आप इनको हैंगिंग प्लांटर्स में, कंटेनर्स में और ग्राउंड फ्लोर में भी कहना चाहिए ग्राउंड कवर के तौर पे भी आप इनको लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से लगने वाले और बहुत ज़्यादा तादाद में फ्लावरिंग करने वाले पौधे होते हैं। ये देखिए मेरे पास में 3 पॉट हैं, 3 पॉट में मैंने करीबन
आठ या नौ जेरेनियम के प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं और ये उनका लुक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा, आपको पसंद आएगा। तो मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, मुझे लिख भेजिए। हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।